हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एड्स पर नियंत्रण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए एड्स पर नियंत्रण देख लीजिए। एड्स पर नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बनाया जा सका है। इसे निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। एक बार और देख लीजिए। एड्स पर नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बनाया जा सका है। इसे निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर एक देख लीजिए। किसी अनजाने व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। नंबर एक है, किसी अनजाने व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। नंबर दो देख लीजिए। एक बार उपयोग की गई इंजेक्शन की सुई का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए। नंबर दो है, एक बार उपयोग की गई इंजेक्शन की सुई का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए। नंबर तीन देख लीजिए। एड्स संक्रमित व्यक्ति को किसी भी तरह से रुधिर दान नहीं करना चाहिए। नंबर तीन देख लीजिए। एड्स संक्रमित व्यक्ति को किसी भी तरह से रुधिर दान नहीं करना चाहिए। नंबर चार देख लीजिए। रुधिर आदान से पूर्व रुधिर का HIV मुक्त होना आवश्यक है, अर्थात इसकी पूर्ण जाँच अनिवार्य होनी चाहिए। नंबर चार एक बार और देख लीजिए। रुधिर आदान से पूर्ण रुधिर का HIV मुक्त होना आवश्यक है, अर्थात इसकी पूर्ण जांच अनिवार्य होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया एड्स पर नियंत्रण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।